हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमें भी हर इंसान के अंदर राम भी, और लोग कहते हैं राम भी बसते हैं और रावण भी, तो हम भी अपने अंदर के रावण को खत्म करें और उस पुतले को जलाने से अच्छा है हम अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकालें और जो रावण जैसी बुराइयां हैं उनका आज खात्मा करें और एक साल बस राम बन के ही चलें, पूरा राम बन के चलें कि अगले साल रावण को जलाने की जरूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम लेके चलेंगे एटलीस्ट 3 to 6 month की होल्डिंग के पर्पस से हम वो शेयर्स को बाई करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, हमें उनमें से वो क्वालिटी स्टॉक चुनना है जो किसी वजह से अभी नीचे मिल रहे हैं, जो कि 20-30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, उन शेयरों को हम बाई करेंगे। क्यों बाई करेंगे वो भी रीजन देखेंगे कि अगर ये नीचे हैं तो किसी वजह से हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चला ये सेक्टर, आप देखते हो रोटेशन आता है, अभी टाटा मोटर टाटा पावर भागे जा रहा है भागे जा रहा, तो लोगों को लग रहा है इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। यार देखो क्या होता है, टाटा मोटर को मैं देख रहा हूँ वो कितना स्ट्रगल किया है, और जो भी इस मार्केट में होगा 5 साल से 4 साल से बना होगा उसको पता होगा कि क्या रिटर्न दिया है टाटा मोटर ने, टाटा पावर ने। बट अभी टाइम है, न्यूज धड़ाधड़ उसकी न्यूज आ रही है, न्यूज बेस बन गया है, इलेक्ट्रिकल वेपर में सारी चीज, तो ऐसा नहीं है उसमें कूदिए मत, टाइम मिलेगा नो डाउट, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा शेयर है, बट टाइम मिलेगा हम एक टाइम पे एंट्री लेंगे और अच्छा रिटर्न करेंगे। तो आइए फटाफट, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो उसके लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से शेयर हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, ये आपका चैनल है क्रिएट वेल्थ विद अभी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए, एक नोटपैड में मैंने ये बना रखा है, इसमें आप देखोगे तो हमने 4 शेयर्स ले रखे हैं, जिसमें से एक है पीएसयू स्टॉक है बंधन बैंक ऑफ इंडिया, और एक प्राइवेट सेक्टर का है बंधन बैंक, दूसरा स्टॉक हमारा है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट कैम्प्स, तीसरा है कैमलिन फाइन साइंस, उसके बाद चौथा है सिंफनी, एंड पेंट सेक्टर से हमने लिया है इंडिगो पेंट, नेरोलैक भी पेंट है जो वो भी नहीं चला हुआ है, और रीजन बताऊंगा क्यों नहीं ये चले हैं, इन क्या दिक्कतें थी कि इतना मार्केट हाई पे हाई बनाई, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अच्छे डिस्काउंट पे हमें मिल रहे हैं। तो आइए एक बार फटाफट इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, चार्ट देखेंगे कहाँ एंट्री ले सकते हैं, अभी वेट करें या एंट्री लेके कितना टाइम हमें देना पड़ेगा एक अच्छे गेन के लिए। तो जो हमारा पहला जो शेयर है कैम्प्स है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, जो कि फ्रेंड आप देखोगे तो लगभग 4067 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद इसने अपना एक अभी जो 3000 के लेवल को बढ़िया सपोर्ट कर रहा है वो भी हम अभी देख लेंगे कि क्या है। वैसे इनमें देखिए स्टॉप लॉस लेके चलने का कोई मतलब नहीं होता है, ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, तो अभी क्या है ये हमें लगभग अच्छा खासा 1000 रुपये के डिस्काउंट पे ये मिल रहा है कैम्प्स इंडिया, और मुझे नहीं लगता कि अभी इसका रिजल्ट आना है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना है सबको पता है, आप देख रहे हो 70% मार्केट शेयर रखता है ये एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, 70% इसका मार्केट शेयर है कैम्प्स का, तो ये हमें ऑलरेडी 1000 नीचे मिल रहा है और क्वालिटी स्टॉक है। गिरने का रीजन ये था कि एडिलवाइज ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, इस वजह से ये शेयर गिरा। अब देखो यार क्या होता है कि भाई अगर किसी फंड ने अगर माल निकाला तो जाहिर सी बात है यार किसी और फंड ने खरीदा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो जो खरीदा वो बेवकूफ था, अगर उतने ऊपर उसने लिया है तो खुद सोच के लिया होगा, और जाहिर सी बात है यार हम भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जब शेयर एक लेवल तक चला जाता है हमें लगता है कि अब हम इसमें प्रॉफिट बुक करके दूसरे में शिफ्ट होना चाहिए, तो हर कोई करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अभी 1000 डिस्काउंट पे ये मिल रहा है कैम्प्स, इसको हम बाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा शेयर है कैमलिन फाइन साइंस, जब भाग रहा था तो सभी लोग खरीद रहे थे, सभी लोग खरीद रहे थे, लेकिन अभी ये जब इधर आप देखोगे 6 month का इसका ये जब ये चल रहा था यहाँ से दौड़ रहा था तो सभी लोग इसके पीछे लगे पड़े थे, लेकिन जब अभी डिस्काउंट में मिल रहा है तो लोगों को ये लग रहा है यार ये डिस्काउंट पे क्यों मिल रहा है, समस्या यहाँ पे हो जाती है।
इसका आप देखोगे, इसकी मैंने वेबसाइट खोल रखी है, ये देख रहे हो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है यार, कभी इनका डिमांड खत्म होना है क्या? देखो फ्लेवर ठीक है, उसके बाद ये क्या है फ्रेग्रेंस में काम करती है, और मैं टेक्निकल्स में काम करती है, केमिकल्स में काम करती है, हेल्थ एंड मेडिसिन में ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन बनाती है, पेट फूड बनाती है, उसमें फूड बेवरेजेस में यूज होता है, ये सारे ये केमिकल ही, ये सारे केमिकल्स का यूज होता है। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है कैमलिन फाइन, बाकी मैनेजमेंट भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा आता है, इसका भी अगर आप हाई देखोगे, कैमलिन फाइन का हाई अगर आप देखोगे तो 230 रुपये है, 231 रुपये के आसपास है। तो 2015 में लिस्ट हुई, 105% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी, क्या दिक्कत है यार। और अभी हमें अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रही है, 187 है, यानी 50 रुपये डिस्काउंट पे वैसे ही मिल रही है ये। सिंफनी आप देखोगे, जो थर्ड हमारा जो लिस्ट में है वो सिंफनी है। सिंफनी नाम का तो मोहताज है नहीं, हर कोई जानता है इस ब्रांड को, कूलर में मार्केट लीडर है, मोनोपोली बिजनेस है इसका। तो अभी आप देखोगे इसने 1528 का हाई है इसका, और ये अभी 1071 पर ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 500 के डिस्काउंट पे ये भी हमें शेयर मिल रहा है, और इसका कंसोलिडेशन अब लगभग डन हो चुका है, यहाँ से एक अच्छा मूव आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं बंधन बैंक की हम बात करते हैं, जो इसका 52 वीक हाई है वो 430 है, लाइफ टाइम हाई की तो बात छोड़ दो, वो तो 700 के आसपास है। अभी ये इसका जो 52 वीक हाई है 430 है, यार रीजन क्या है इस बैंक के गिरने का, कि आसाम में इसका सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो है। तो एक्चुअली क्या है कि उधर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी और बहुत सारी कुछ दिक्कतें थी, फिर इसके जो सबसे ज़्यादा जो बुक है वो रिटेल कस्टमर का है, जो जैसे लोन बुक है वो छोटे छोटे रेहड़ी मजदूर इनको ये लोन देते हैं। तो कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें बंद थी, लगातार 4 क्वार्टर से 5 क्वार्टर से इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो इनका अभी लेटेस्ट जो इस मंथ का डिटेल्स आई थी बहुत ही सुपर आया है, और उम्मीद है कि जो अभी ये रिजल्ट आएगा बहुत ही फाड़ू रिजल्ट आने वाला है। तो बंधन बैंक मुश्किल है कि फिर दोबारा हमें इस रेट पे मिले, एक बार जैसे ही रिजल्ट अच्छा आना स्टार्ट हुआ फ्रेंड, आप देखना ये फिर से ये जो अपना इसका लाइफ टाइम हाई है उसको ये टच करता हुआ मिलेगा ये शेयर, याद रखना मैंने क्या कहा था। उसके बाद एक है, अभी हमने शेयर भी पहले भी इस वीडियो को शेयर किया था, इंडिगो पेंट, हमने जब वीडियो शेयर किया था तो लगभग हम इसको 2400 कुछ के आसपास में से वीडियो इसकी हमने वो की थी, 2400 के आसपास में, तो वहां से ये 2600 की रैली भी दिखाया। बट मैं इसका रीजन बताता हूँ, अभी लेटेस्ट ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, 3100 का है, 700-800 रुपए के डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है। यार देखो क्या है, आप देख रहे हो इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रूड ऑयल, ऑयल का यूज होता है ये पेंट वगैरह बनाने में। तो आप देखोगे तो अभी क्रूड ऑयल का रेट डेली बढ़ता है, तो एक सेंटिमेंट होता है, ये सेंटिमेंट खत्म हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है तो ये अपने पेंट के रेट नहीं बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है यार बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो सेंटिमेंट है ना उस पर डिपेंड। इस वजह से आप देखोगे कंसाइन नेरोलेक, नेरोलेक भी अगर आप देखोगे तो ये भी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी 680 का आई है, ये भी एक रेंज में ही घूम रहा है, ये देख रहे हो पिछले आप 6 महीने से देखोगे तो एक रेंज में ये घूम रहा है, लेकिन जब ये पेंट सेक्टर चलना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे, सच बता रहा हूँ, ये रुकेंगे नहीं, अच्छा जंप देंगे। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया पे हमने वीडियो डिस्कस की थी, और ये अच्छे एक लेवल पे, बाइंग लेवल पे आ गया है, जो करेक्शन था इसका डन हो चुका था, 52 वीक जो आई है 101 है, 101 भी जाता है, यहाँ से भी अच्छा पोटेंशियल निकल के आता है। तो ये सारे हमें, और इनका अभी टाइम है पीएसयू बैंक, आप देखो यूनियन बैंक कितनी हमने डिस्कस किया, एक हफ्ते के अंदर ही उसने 25% रिटर्न दे दिया, 36 रुपए से 46 रुपए तक चला गया। तो ये जो 5 और 6 मैंने जो शेयर डिस्कस किए फ्रेंड, तो इनमें मेरा भी क्या भी हुआ है, इन शेयरों में मैं, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, तो एक जगह पैसे, और वैसे ही मैं कहता हूँ एक जगह पैसे अपने इन्वेस्ट मत करिए एक शेयर में, तो अभी हम यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का 2 से 3-3% इन शेयरों में, एक पोर्टफोलियो इन शेयरों का बना के, और हम इसको 3 to 6 मंथ देंगे, तो
आप देखोगे +20% +20 आराम से आपको रिटर्न आता हुआ दिखेगा, 20+ ही आएगा। ये मैं मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जितनी तेजी से जो चीजें गिरी हैं वो उसी तेजी से निकलेंगी। कैंप्स सुपर है, कैमलिन फाइंस केमिकल में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बैंक ऑफ इंडिया का आप देखोगे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आना स्टार्ट हो गया है, तो PSU का भी टाइम चल रहा है, PSU स्टॉक चलेंगे जो बहुत ही काफी दिनों से सुस्त पड़े थे। अच्छा एक चीज हम और ले सकते हैं यहाँ पे, हम मेंशन नहीं किए, स्टील सेक्टर, टाटा स्टील, टाटा स्टील को भी हम रख सकते हैं। ये भी अच्छा खासा डिस्काउंट पे चल रहा है और मुझे तो लगता है ये रिजल्ट जैसे ही आया इसका ये फाड़ देगा, ये 1600-1700 के पे ही हमें दिखेगा टाटा स्टील। तो इन शेयरों को आप लोग वॉच करो और एक पोर्टफोलियो बनाओ। अभी लाइफ टाइम जो मार्केट हाई चल रही है थोड़े थोड़े उसमें ऐड करो, क्योंकि यार कोई भरोसा नहीं है कि करेक्शन बहुत ज्यादा होगा। ये हम वेट करते रहे करेक्शन, हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि अब करेक्शन होगा, अब करेक्शन होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्योंकि यार हमारे अभी इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी देख रहे हो कि 100 लाख करोड़ का भी वो हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, और वास्तव में बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो आने वाला जो टाइम है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, तो इन्वेस्ट करिए और इंजॉय करिए, बस सही टाइम पे एंट्री लीजिए। इसलिए मैंने ये आपको शेयर बताया जो डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। यार इनमें अगर करेक्शन आएगा भी तो कितना आएगा यार, 5% 7% और आ जाएगा, लेकिन जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं उनमें हम एंट्री ले लेते हैं तो करेक्शन आएगा सीधे हमारे 20-25-30% नीचे हम को ला देगा, फिर टाइम लगेगा हमें ऊपर जाने में। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो। एक बार और आप लोगों को हैप्पी दशहरा, और अपने अंदर के रावण को मारिए, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।